राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सफदरजंग इनक्लेव के हुमायूंपुर गांव में एक मकबरे को कथित तौर पर मंदिर में बदलने का आरोप है। तो वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव को आज रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सचिव को दिए अपने आदेश में कहा है कि धरोहर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है और एक गंभीर अपराध है। सचिव घटना के ब्यौरे और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए पूरी रिपोर्ट सौंपें। आपको बता दें कि सफदरजंग इनक्लेव रिहायशी इलाका माना जाता है। इसके बीच में कथित तौर पर तुगलक शासन काल में बने मकबरे रॉ मार्च में सफेद और भगवा रंग में रंग दिया गया और मंदिर दिल्ली सरकार ने इस मकबरे को स्मारक का दर्जा दिया था, जबकि इस मंदिर में अब मूर्ति रख दी गई है। पुरातत्व विभाग के सिटीजन चार्टर के मुताबिक किसी स्मारक की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता, रंगाई नहीं की जा सकती। एक नामी अखबार की खबर के मुताबिक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के दिल्ली चैप्टर की संयोजक स्वप्ना लिडल ने कहा है कि यह जमीन कब्जाने का मामला है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम केवल मरम्मत करवाते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।